हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। और दोस्तों, मैं शुभम पांडे और आज हम देखेंगे अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि क्लास 11th का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो दोस्तों, इस चैप्टर में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है और साथ में हमारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट और बहुत सारे केमिकल्स ला। तो बहुत सारी बेसिक चीजें भी हैं जो कि आप चैप्टर पढ़ के समझ सकते हो। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन जरूर करेंगे। तो चलो देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि हमारे चैप्टर से ही है। हमारा स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री को, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे दोस्तों हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है, और सारे जितने भी लिविंग बींग होते हैं, ठीक है, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, सब के सब ऑर्गेनिक मटेरियल से ही बने होते हैं, ठीक है, उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता ही होता है, ठीक है। बेसिक बातें अगर हम बात करें तो यहां पर आप पढ़ेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहीं तक हमारी बातें सीमित होंगी, लेकिन इनके कंपाउंड बहुत ज्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपाउंड बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, जितना कि इनऑर्गेनिक कुछ भी नहीं बनाता है, उतना केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं कंपाउंड्स, और साथ में हमारे कुछ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन भी जुड़ते हैं। फिर हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बहुत सारा चीजें पढ़ेंगे, एक अलग ही पूरी केमिस्ट्री है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड हमारे इनऑर्गेनिक भी होते हैं, जैसे CO2 अगर हम देखें, CO देखें, तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक भी होते हैं। कुल मिला के फंडा यह है कि इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक के बाद जितने भी होते हैं सब इनऑर्गेनिक होते हैं, जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स, बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे वो हम इनऑर्गेनिक में देखेंगे। फिर देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी बताएगी प्योरिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताएगी और क्वांटिटी के बारे में बताएगी कि अगर हमने कोई मटेरियल लिया है जो करो तो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसमें मतलब क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं एंड उसमें कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों एनालिसिस जब हम करेंगे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी। एंड फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे किसी भी मटेरियल को हमें प्रोडक्शन करना है, हम कितने इकोनॉमिकली रेट में उसे प्रोड्यूस कर पाए, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाए, इन सब के बारे में देखें। फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे कि हाउ टू मेक अ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन कैसे काम करता है, उसका क्या प्रिंसिपल है काम करने का और वो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। फिर मेडिसिनल में ही हम पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में सेफ्लेटिन एंड टैक्सोल के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है और एनसीईआरटी का ही ये पॉइंट है, तो याद कर लेना। अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको एनसीईआरटी की जरूरत है, एनसीईआरटी भी आपको रिवाइज करना है, तो हम एनसीईआरटी भी करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, नीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, एम्स के क्वेश्चंस और कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चंस, ताकि आपका चैप्टर बिल्कुल बिल्डअप हो पाए, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर हम कुछ केमिकल्स ला के बारे में पढ़ेंगे जो कि केमिकल ला बहुत जरूरी है और सारी की सारी केमिस्ट्री में केमिकल ला वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ला ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, फर्स्ट ला हमारा रहेगा ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान से आप ये ला देख लीजिए, द ला फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय योर फ्रेंच केमिस्ट लेवेसियर, ठीक है, इसको सबसे पहले फ्रेंच केमिस्ट लेवेसियर ने दिया था। अब ये ला क्या है, दिस ला स्टेट्स दैट इन ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई केमिकल रिएक्शन अगर हैपन हो रहा होता है, केमिकल चेंजेस हो रहा होता है, उसमें टोटल मास हमारा क्या होता है किसी भी सिस्टम का, जैसे अगर मैंने ये सिस्टम ले लिया, उस सिस्टम में कई सारे हमने मटेरियल डाल रखे हैं, ठीक है, कई सारे एलिमेंट डाल रखे हैं और इनका केमिकल रिएक्शन हो रहा है और फिर ये अलग कंपाउंड बना रहे हैं, तो इनका जो टोटल मास है वो कंजर्व होगा, वो मास ना तो बदलेगा, ठीक है, वो नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इनका मास क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर ये ओपन सिस्टम होता तब क्या होता कि मास गैस फॉर्म में निकल भी सकते थे, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम फ्यूल भरते हैं, ठीक है, फ्यूल भरते हैं तो आप देखते हो कि फ्यूल बर्न हो जाता है, लेकिन वो गैस के फॉर्म में निकलता है, उस टोटल अगर गैस को हम मास को वेट करते तो सेम वही होता जितना कि हमने फ्यूल बर्न किया था, वो सेम वेट आता, कुछ फ्यूल के रूप में, कुछ कचरे के रूप में, जो भी हम अगर फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है,
बाइक में, ठीक है, वैन में, जो भी यूज करते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अगर हम बर्न करते हैं, ठीक है, गैस को बर्न करते हैं, एलपीजी को बर्न करते हैं, तो केवल आग निकलती है, केवल आग नहीं निकलती, वो गैस के रूप में, वेपर के रूप में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो गैसें निकलती हैं। अगर उनको हम क्लोज सिस्टम में रखते तो मास कांस्टेंट रहता, बट वो बर्न के रूप में, कुछ हीट के रूप में। अभी हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए न्यूक्लियर फिनोमिना के बारे में नहीं कहेंगे कि जो हीट निकल रहा है उसके थ्रू भी मास का लॉस हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर फिनोमिना के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कि आइंस्टीन का इक्वेशन इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जहां से कि एनर्जी अगर हमें मिलती है तो थोड़ा सा मास का लॉस होता है, ठीक है। अभी हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन में हम ये जानेंगे कि किसी भी एक सिस्टम हमने जार ले लिया, वो क्लोज सिस्टम है, तो वहां पर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन हैपन कराएंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन वो घटित होगा, तो वहां पर हमारा मास कांस्टेंट होगा, जितना मास हमने शुरू में लिया था उतना ही मास हमारा फाइनल रिएक्शन होने के बावजूद भी उतना ही मास होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इन अ केमिकल चेंज मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी केमिकल चेंज अगर हैपन हो रहा है तो वहां पर मास ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो कि ए प्लस बी बना रहा है सी प्लस डी, मान लो ए अगर आपने लिया है 10 ग्राम, बी लिया है 20 ग्राम, ठीक है, अगर सी हमारा 12 ग्राम बन रहा है तो डी कितना ग्राम बनेगा, तो इस तरफ मास, टोटल मास कितना था 10 प्लस 20 30 ग्राम, इस साइड हमें कितना मिल रहा है 12 ग्राम, मतलब कि अभी कितना बचा है 30 माइनस 12 18 ग्राम, कितना 18 ग्राम। तो दोस्तों इसका आपको ख्याल रखना है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमारे रियल लाइफ से हो सकता है, आप कार्बन बर्न करते हो, ठीक है, कार्बन बर्न की कार्बन प्लस ओ टू, ठीक है, ये बना हमारा सीओ टू। अगर अप्रॉक्स मान लो आपने 12 ग्राम लिया है कार्बन और 32 ग्राम आपने ऑक्सीजन लिया, तो ये 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। आप ऐड कर सकते हो 12 प्लस 32 44। अगर मान लो हमने हाइड्रोजन लिया है 2 ग्राम प्लस हाफ ओ टू प्लस 16 ग्राम, हमें 18 ग्राम वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा वाटर H2O। तो रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट होगा अगर हम टोटल प्रोडक्ट ऐड करेंगे मास, तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने मास हाइड्रोजन ज्यादा ले लिया, ठीक है, तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, जो हाइड्रोजन बचा रहेगा वो क्लोज सिस्टम में अभी भी हमारा टोटल मास क्या होगा सेम ही होगा, ठीक है। हाँ, अब ये हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, बाकी बचा हुआ हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, लेकिन हमारा मास तो नहीं घट सकता है ना, हमारा मास उतना ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मास थे, व्हाट मास ऑफ बेरियम क्लोराइड वुड बी डीकम्पोज्ड बाय 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कितना बेरियम क्लोराइड का मास डीकम्पोज होगा 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से कितना बेरियम क्लोराइड हमारा डीकम्पोज होगा, टूटेगा, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बेरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। If 12 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 2.75 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड वेयर प्रोड्यूस, आपस में बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। वेट दे रखा है 12 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 2.75 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन ए रिएक्शन, अज्यूमिंग दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस ट्रू। आपको ये मान के चलना है लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे ट्रू है, सत्य है, फॉलो करता है। तो चलो देख लेते हैं, BaCl2 आपको पता करना है कि कितना BaCl2 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा 12 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 2.75 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। दोस्तों ये क्वेश्चन देख के ना बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, भले आप मोल कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में लो, क्वेश्चन को आसानी से पढ़ो, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, उनको आराम से लिखो, ठीक है। आप सबसे पहले दे रखा है व्हाट मास ऑफ बेरियम क्लोराइड वुड बी डीकम्पोज, कितना बेरियम क्लोराइड का डीकम्पोज होगा,
मतलब किसके द्वारा डीकम्पोज हो रहा है, 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एंड 12 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 2.75 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस। जब आपस में रिएक्ट करेंगे तभी तो कुछ प्रोड्यूस करेंगे। फिर उन्होंने प्रोड्यूस किया क्या, 12 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 2.75 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दोस्तों करना कुछ नहीं था, रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट मास, यही तो करना है। रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट मास, यही तुम्हारा कंजर्वेशन अप्लाई है। तो रिएक्टेंट मास हमें नहीं पता है तो चलो हम मान लेते हैं कि एक्स होगा, प्रोडक्ट का मास तो दे रखा है, चलो देख लेते हैं। मतलब एक्स प्लस 9.8 इक्वल टू 12 प्लस 2.75। ओके चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा, आप इसे दोनों को समअप करेंगे तो 14.75 9.8 को इस साइड लाएंगे हम तो माइनस हो गया, साइन चेंज। चलो घटा लो आराम से, 14.75 माइनस 9.80 5 पहले लेने पे 17 में से 9 ठीक है, 13 में से 9 4.95 हमारा क्या होगा, ये CO2। यही क्वेश्चन था, आपको दोनों के मास को बराबर करना था कि हमारा जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था और मुझे नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आई होगी, बस आपके क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। आप क्वेश्चन को आराम से रीड करो, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक ही मिसिंग होगा, उस मिसिंग टर्म को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा लॉ, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लॉ है लॉ डेफिनेट आर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलो देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय प्रोस्ट, ये लॉ प्रोस्ट के द्वारा दिया गया। एंड दिस लॉ स्टेट्स एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वेट, जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा कंबाइन करते हैं अपने फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वेट। मतलब ये हुआ कि एलिमेंट ए है एलिमेंट बी है, एलिमेंट का 2 ग्राम ए का 2 ग्राम एलिमेंट बी के 10 ग्राम से कंबाइन कर रहा है। तो मतलब एलिमेंट ए का 1 ग्राम एलिमेंट बी के 5 ग्राम से कंबाइन करेगा, एलिमेंट ए का 3 ग्राम एलिमेंट बी के 15 ग्राम से कंबाइन करेगा, क्योंकि 1 ग्राम 5 ग्राम से तो 2 ग्राम 10 ग्राम से तो 3 ग्राम 15 ग्राम से। अगर इनका हम रेशियो देखें तो 2/10 1/5 एंड 3/15 सबको आप कैंसिल करोगे तो 1/5 ही आएगा, इनका रेशियो 1:5। और अ प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन द सेम एलिमेंट इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर वेट रिगार्डलेस ऑफ द मोड ऑफ प्रिपरेशन। और ये एलिमेंट का कंपाउंड कुछ ए भी होगा, तभी तो ए का भी एक और बी का भी एक मॉलिक्यूल एक एटम। मतलब कुल मिला के ये कहना है कि किसी भी कंपाउंड में जो उसका वेट का प्रोपोर्शन होता है कंबाइन करने का वो फिक्स्ड होता है, वो कांस्टेंट होता है, उसको हम किसी भी मेथड से बनाएं। अगर हम पानी लेते हैं तो वाटर, हम कहीं से भी वाटर लेंगे, एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होंगे एक ऑक्सीजन होगा, और हाइड्रोजन का भी वेट फिक्स होगा और ऑक्सीजन का भी वेट फिक्स होगा। फिर वो वाटर किसी भी थ्रू मेथड के थ्रू बनाया जाए, चाहे किसी केमिकल रिएक्शन। हेलो, तो हम वाटर के बारे में बात कर रहे थे कि वाटर को हम किसी भी मेथड के थ्रू बनाएं, वाटर में 2 हाइड्रोजन होगा एक ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन का वेट फिक्स होगा ऑक्सीजन का वेट फिक्स होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन ही अटैच होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच होगा। फिर वाटर चाहे हम बिस्लरी का लें, चाहे नॉर्मल कुएं से लें, चाहे नॉर्मल किसी शॉप से लें ठीक है, या किसी पॉन्ड से लें, या फिर हम इंडिया का वाटर लें, या फिर अमेरिका का वाटर लें, या किसी ग्लेशियर का वाटर लें, वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे, हाइड्रोजन का वेट फिक्स होगा, ऑक्सीजन का वेट फिक्स होगा, उनके आपस में जुड़ने का प्रोपोर्शन भी फिक्स होगा, तो उनके जो रेशियो होंगे वेट के वो भी फिक्स ही होंगे, क्योंकि किसी भी
ऑक्सीजन के साथ अगर दो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम होगा और ऑक्सीजन का 16 ग्राम होगा, तो उनका जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा, वो कंपाउंड किसी भी मेथड के थ्रू बनाया जाए, ये हमारा कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन हमारा फिक्स होगा। एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर हम CO2 लेते हैं तो कार्बन एंड ऑक्सीजन उसमें होता है, ठीक है, इन्हें फिक्स रेशियो में इनका जो वेट होता है वो 3:8 होता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे हम जो सांस लेते हैं उसके थ्रू देखें, जो सांस हम निकालते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम कुछ चीज बर्न करते हैं, चाहे कागज बर्न करते हैं, लकड़ी बर्न करते हैं, या डायरेक्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड बर्न करते हैं, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारा रिलीज हो रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट का रेशियो होगा वो फिक्स होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो अटैच मतलब आपस में जुड़ने का जो कंपोजिशन है, जो वेट का कंपोजिशन है वो फिक्स होगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि कार्बन, अच्छा 3:8 ये दिए रखा है, 3:8 देखो क्या सही है, कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम दोस्तों, और ऑक्सीजन का वेट होता है, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16 ग्राम, एक ऑक्सीजन एटम का, लेकिन कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो 16 × 2 = 32, अगर हम कैंसिल करते हैं 12/32 को तो 4 × 3 = 4 = 8 जो आता है हमारा 3:8। ऐसे अगर हम वाटर की बात करते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, और हाइड्रोजन का वेट हो गया 2 ग्राम एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम, कैंसिल करने पे आता है 1:8, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन अटैच होगा। ये होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, तो कॉपी कर लो। ओके, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है 0.7 ग्राम ऑफ आयरन कंबाइंस डायरेक्टली विथ 0.4 ग्राम ऑफ सल्फर टू फॉर्म फेरस सल्फाइड, मतलब कि 0.7 ग्राम आयरन Fe हमारा कंबाइन हो रहा है 0.4 ग्राम ऑफ सल्फर, इफ 2.8 ग्राम ऑफ आयरन, अब कितना है 2.8 ग्राम ऑफ आयरन आर डिजॉल्व इन डायल्यूट HCl, 2.8 ग्राम आयरन को हम डिजॉल्व कर रहे हैं डायल्यूट HCl में एंड एक्सेस ऑफ सोडियम सल्फाइड, और किसमें पर्याप्त मात्रा में सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन इज एडेड, देन 4.4 ग्राम ऑफ आयरन सल्फाइड, अब क्या बन रहा है 4.4 ग्राम आयरन सल्फाइड, मतलब आयरन प्लस सल्फर दोनों मिलकर 4.4 ग्राम आयरन सल्फाइड इज प्रेसिपिटेटेड, मतलब प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि बीकर में नीचे बैठ जाना, ठीक है, डिजॉल्व अगर हम उसे कर रहे हैं तो। डज द डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, क्या ये डाटा बता रहा है कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन था कि उनका जो रेशियो होगा वेट रेशियो, उनका जो जुड़ने का वेट रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, कंपोजिशन का वेट रेशियो कांस्टेंट होगा, या कह लो कि मास रेशियो कांस्टेंट होगा, तो आयरन एंड सल्फर का मास रेशियो क्या है 0.7:0.4, पॉइंट अगर हम हटा लें तो 7:4 में आयरन एंड सल्फर जोड़ रहा है, चलो यहाँ पे आयरन दे रखा है और आयरन सल्फाइड दे रखा है, तो अगर आयरन सल्फाइड में से हम आयरन को घटा देंगे तो हमें मिलेगा क्या, केवल सल्फर मिलेगा, भाई ये आयरन एंड सल्फर दोनों मिलके है, अगर इसमें से हम आयरन निकाल देंगे तो बचेगा क्या सल्फर, और हमें पता है कि हमने बीकर में क्या लिया था, हमने बीकर में 2.8 ग्राम आयरन लिया था, फिर हमने पर्याप्त मात्रा में HCl लिया था, उसमें इसको हमने घोला था और साथ में सोडियम सल्फाइड लिया था, N2S, ठीक है, तभी आयरन एंड सल्फर इसमें मिक्स होके बनते हैं, और कितना बनता है 4.4 ग्राम आयरन सल्फाइड बनता है, और जो कि बाद में प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो मतलब 4.4 माइनस 2.8 करने पे जो बचेगा वो बचेगा हमारा सल्फर, क्योंकि हमने 4.4 आयरन सल्फाइड में से ग्राम में से 2.8 ग्राम आयरन निकाल लिया, तो जो बचा वो सल्फर है, तो कितना बचता है 14 × 6 1.6 ग्राम, कितना 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम हमारा सल्फर मिलता है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं क्या अभी भी इनका रेशियो कांस्टेंट है, मतलब कि वेट रेशियो या मास रेशियो इनका कांस्टेंट है,
तो चलो देखते हैं 2.8 डिवाइडेड बाई 1.6 वेट ऑफ आयरन अपॉन वेट ऑफ सल्फर, हमने पहले भी किया है वेट ऑफ आयरन अपॉन वेट ऑफ सल्फर। चलो डेसिमल को 1.7 एक प्लेस पे दोनों ऊपर नीचे डेसिमल था, हमने कैंसिल कर लिया उन्हें। अब हम इसे 4 से कैंसिल करते हैं, 4 जा 16 एंड 4 7 जा, हमारा आंसर आया 7 डिवाइडेड बाई 4। क्या 7:4 पहले भी हमारा आंसर था? हाँ, मतलब कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। दोस्तों आपने ये देखा कि यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखा, हमारे जो 5 या 6 लॉ है हम उनको पूरा देखेंगे और उसके बाद हमारा हम बात करेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक, ठीक है, कि एटॉमिक मास को हम कैसे मेजर करते हैं, क्या तरीका रहा हमारा एटॉमिक मास को मेजर करने का, ठीक है, उसे एटॉमिक मास यूनिट में क्यों मेजर करते हैं, फिर हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट और हमारा इस चैप्टर में जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी, ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। फिर अब हम देखेंगे अगला लॉ केमिकल लॉ क्या है, तो इसे कॉपी कर लो। ओके, अब हमारा थर्ड लॉ है जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डाल्टन, ये लॉ डाल्टन के द्वारा दिया गया। चलो देखते हैं क्या है। इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स, अगर दो एलिमेंट्स फॉर्म टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स बिटवीन देम देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। अगर दो एलिमेंट दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, आपस में मिलके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं और उसमें से एक का मास फिक्स है तो दूसरे का मास आपस में सिंपल रेशियो में होगा, सिंपल रेशियो में होगा। चलो बात समझते हैं कि दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट हमारा बी, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक कंपाउंड इसने ये बनाया, दूसरी बार क्या हुआ कि नीला वाला तो हमारा एक ही रहा लेकिन अब ब्लैक वाले दो आगे इससे जुड़े, कितना दो आगे जुड़े, तो होगा क्या इनका और इनका मास आपस में सिंपल रेशियो होगा। अब अप्रोक्स मान लो, मान लेते हैं कि अगर इसका मास 1 ग्राम है और इसका मास 3 ग्राम है, लेकिन अब इसका मास तो 1 ही ग्राम रहा लेकिन यहां पे दो बॉल्स आगे जुड़े ब्लैक वाले मतलब 6 ग्राम, इनका आपस में जो रेशियो होगा 3/6 वो 1:2 के ही बराबर होगा जो कि एक सिंपल रेशियो होगा। बात समझ में आई? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में एक नीला और दो काला जुड़े, फिर अगली बार क्या हुआ कि एक नीला बॉल और 3 काले बॉल जुड़े, अभी भी नीला वाला जो हमारा है वो फिक्स्ड मास है और जो दूसरा एलिमेंट है वो अलग अलग रेशियो में जुड़ रहा है, अलग अलग रेशियो में जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर इसका मास 6 ग्राम है तो यहां पे इसका मास 9 ग्राम है क्योंकि 3 बॉल और एक बॉल का मास 3 ग्राम है, तो अभी भी अगर हम इनका रेशियो देखेंगे तो 6:9 हम रेशियो किसका देख रहे हैं, जो कांस्टेंट मास है उसका नहीं, जो दूसरा मास वेरिएबल के रूप में अलग अलग जुड़ रहा है, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग जुड़ रहा है। और ये भी याद रखना कि ये कंपाउंड जो बना है हमारा ये दो प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना है लेकिन अलग अलग कंपाउंड में इनका रेशियो क्या है, अलग अलग रेशियो है। एक कंपाउंड में नीला वाला 1 है और ब्लैक वाले 2, एक कंपाउंड में नीला वाला 1 है लेकिन ब्लैक वाले 3, तो ये अलग अलग कंपाउंड है और इनका जो मास रेशियो रहेगा वो 6:9 कैंसिल करने पे हमारा 2:3 और ये एक सिंपल रेशियो है, तो इसीलिए बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। दिस लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डाल्टन एंड इट स्टेट्स इफ टू एलिमेंट फ्रॉम टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स बिटवीन देम आपस में मिलके बनाते हैं दो एलिमेंट दो या दो से अधिक कंपाउंड देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट मास ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विथ ए फिक्स्ड मास जो कि एक फिक्स्ड मास से ऑफ द अदर से जुड़ रहा है वो एक सिंपल रेशियो रखेगा। डिफिनीशन ये था कि हमने दो एलिमेंट लिया और उनसे हम अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, एक एलिमेंट का मास हम फिक्स रखते हैं और दूसरे एलिमेंट का मास हम अलग अलग जोड़ते हैं
तो जो दूसरा एलिमेंट का मास जो अलग अलग जुड़ा है अलग अलग कंपाउंड में, उन दोनों कंपाउंड में उनका जो रेशियो होगा, मास रेशियो होगा, वो फिक्स होगा। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे आप वाटर को जानते होंगे, वाटर में हमारा होता है H2O, और फिर आप जानते होंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड जहां पे होता है H2O2। आप यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का मास दोनों कंपाउंड में फिक्स है, 2 ग्राम 2 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन इसमें है 16 ग्राम और इसमें ऑक्सीजन है 32 ग्राम। अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो 16 / 32 और 1:2 एक सिंपल रेशियो है। दूसरा एग्जांपल हम अब लेते हैं, आप सुने ही होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन लेकिन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 16 एंड यहाँ पे 32। इनका रेशियो 16:32 मतलब 1:2। इनका मास जो अलग अलग वेट में जुड़ रहे हैं, इनका दोनों कंपाउंड में अगर हम रेशियो देखेंगे, वेट का रेशियो देखेंगे, वो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। उस कंपाउंड का हम रेशियो नहीं देखेंगे जो कॉन्स्टेंट है। अगर इसका रेशियो भी देखेंगे तो 1:1 आएगा, लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में जुड़ रहा है उसका मास एक सिंपल रेशियो होगा। क्योंकि दोस्तों एटम जब भी जुड़ता है वो सिंगल जुड़ता है, हाफ या आधा या उसका 1/3 इस तरह से नहीं जुड़ता है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में अगर एटम जुड़ता है तो पूरा कंप्लीटली जुड़ता है। कुछ इसके एग्जांपल आप नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये भी इसका क्या कहते हैं एग्जांपल है, और नाइट्रस ऑक्साइड। तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके 2 कंपाउंड बना रहे हैं। द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज कंपाउंड इज 42.9%। एक में कार्बन का कंटेंट 42.9% है, तो बाकी जो परसेंटेज है वो किसका है, ऑक्सीजन का है, एंड इन द अदर इट इज 27.3, और दूसरे में कंपाउंड में जो कार्बन का कंटेंट है वो 27.3% है। करेक्ट, सो दैट दिस डाटा इज इन द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ये हमें शो करना है, दिखाना है। कार्बन और ऑक्सीजन है जो मिलके दो प्रकार के कंपाउंड बना रहे हैं। फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन का जो कंटेंट है वो 42.9% है, तो बाकी जो परसेंटेज है वो किसका है, ऑक्सीजन का है, और दूसरे कंपाउंड में जो कार्बन का परसेंटेज है वो है 27.3%। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, 100 - 42.9%, क्योंकि बाकी जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो ऐसा करते हैं, परसेंटेज जब अगर हम 100% ले रहे हैं तो इसे हम उतना ही ग्राम मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है 100 ग्राम है, 100 ग्राम में 42.9 ग्राम हमारा कार्बन है, तो बाकी जो है हमारा वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितने ग्राम है, 100 - 42.9, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 57.1 ग्राम। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन। चलो अब दूसरे कंपाउंड में देखते हैं, यहाँ पर भी हम ऐसे ही 100% को मान लेंगे कि हमारा 100 ग्राम कंपाउंड है, जहां पे कार्बन हमारा 27.3 ग्राम है, तो बाकी हमारा ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 100 - 27.3, तो कितना आएगा, 7.9 - 7.2 - 9 - 2 = 72.7। दोस्तों अब हमको करना क्या पड़ेगा, लाभ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कहा गया है किसी एक कंपाउंड को हमें क्या करना है, सेम मास रखना है, मतलब फिक्स मास रखना है। तो फिक्स मास हम 1 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है।
इसके लिए भी हम किसी भी कंपाउंड में चाहे हम कार्बन का मास कांस्टेंट कर दें चाहे हम ऑक्सीजन का मास, किसी का भी मास आप कांस्टेंट कर सकते हो। चलो अगर हम ऑक्सीजन का मास कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन यहाँ पर भी हम एक ग्राम लेंगे यहाँ पर भी एक ग्राम लेंगे। तो चलो पहले सबसे पहले हम ये कहेंगे कि 57.1 ग्राम ऑक्सीजन से हमारा जो जुड़ रहा है कार्बन वो 42.9 है, या ऐसे कह सकते हैं कि 57.1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें 42.9 ग्राम कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, यूनिटरी मेथड लगाएंगे 42.9 डिवाइडेड बाई 57.1। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बिल्कुल यूनिटरी मेथड सिंपल। तो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के अप्रोक्स जो आएगा 0.75, कितना आएगा 0.75। ऐसे हम यहां पर भी कर लेते हैं, हम कहेंगे कि 72.7 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें 27.3 ग्राम कार्बन की जरूरत पड़ रही है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 27.3 डिवाइडेड बाई 72.7, इसे कैंसिल करने के बाद आएगा 0.375, ओके, कि 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें इतने ग्राम कार्बन की जरूरत पड़ेगी, और यहां पे 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें 0.75 ग्राम कार्बन की जरूरत पड़ेगी। चलो अब दोनों का हम रेशियो देख लेते हैं, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को तो कांस्टेंट कर लिया, ऑक्सीजन को हमने दोनों कंपाउंड के लिए कांस्टेंट कर लिया। अब हम देखते हैं कि कार्बन का रेशियो क्या मास रेशियो सिंपल रेशियो है या नहीं। यहां के लिए हमारा आंसर आया 0.75 ग्राम, और दूसरे कंपाउंड के लिए हमें आया 0.75 ग्राम। तो अगर हम रेशियो निकालना चाहते हो तो डिवाइड करना पड़ेगा, 0.75 ग्राम ऑफ कार्बन इन कंपाउंड फर्स्ट डिवाइडेड बाई 0.375 ग्राम कार्बन इन कंपाउंड सेकेंड। दोस्तों कैंसिल करने पे 375 से 750 टू टाइम्स में कट जाएगा, मतलब 2:1। ये क्या है, सिंपल रेशियो है। जब हमने ऑक्सीजन के मास को कांस्टेंट कर लिया तो हमने देखा हमारा सिंपल रेशियो जो कार्बन का आ रहा है वो 2:1 आ रहा है, मतलब ये वेरीफाई कर रहा है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। जरूरी नहीं था कि आप ऑक्सीजन के ही मास को आप 1 ग्राम लेते, आप कार्बन के भी मास को 1 ग्राम लेके ऑक्सीजन के मास को निकाल सकते थे दोनों कंपाउंड के लिए, और फिर दोनों का सिंपल रेशियो लेते, आंसर ऐसा ही है, ठीक है, और वहां पर भी हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लॉ।